मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के रशीद कंपाउंड में रहने वाली एक 16 साल की नाबालिग लड़की के साथ मारपीट और लड़की से अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। ये घटना 28 फरवरी की है। नाबालिग लड़की से मारपीट छेड़छाड़ करने वाला कोई और नहीं बल्कि राजू अंसारी के भाई सईद अंसारी और सरफराज अंसारी उर्फ बबली हैं। आपको बता दें कि सरफराज अंसारी नगर सेविका साजिया के पति हैं और सईद अंसारी नगर सेविका साजिया के जेठ हैं। और नगर सेविका के पति सरफराज अंसारी लड़की को पैसे का ऑफर देकर मामला रफा दफा करने को कह रहे थे। नाबालिग लड़की ने बताया है कि वो रशीद कंपाउंड के मिलेनियम के पास अपनी एक सहेली से मिलने गई थी। सहेली से बातचीत हो ही रही थी कि तभी पीछे से आकर सईद अंसारी और सरफराज अंसारी उर्फ बबली ने लड़की से मारपीट शुरू कर दी। लड़की ने यह भी बताया कि उसे बेरहमी से सड़क पर पीट पीट कर मारा गया और अश्लील हरकत भी की गई। लड़की के मुंह से मार लगने की वजह से खून भी निकल रहा था। किसी तरह से लड़की जान बचाकर पुलिस स्टेशन पहुंची और वहां इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना चाहा, मगर उसे दूसरे दिन बुलाया गया। लड़की ने यह भी बताया कि बबली ने पैसों का भी ऑफर दिया था और मैटर को आपस में ही निपटा लेने की बात कही थी, मगर लड़की ने बताया कि बेरहमी से जिस तरह से उसे बीच सड़क पर पीटा गया और उसके साथ अश्लील हरकत की गई और गाली गलौज दी गई, उससे इंसाफ चाहिए, इसलिए उसने पुलिस स्टेशन का रुख किया। जबकि उसे धमकियां भी मिल रही थी, मगर इसके बावजूद उसने इन लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मारपीट और नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत, छेड़छाड़, गाली गलौज करने पर सईद अंसारी और सरफराज अंसारी पर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज किया है। इस दौरान हमने पीड़ित लड़की से भी बातचीत की है, आपको सुनाते हैं। मैं जा रही थी अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, गई थी, उसके बाद मैं जा रही थी अपने घर पे, तो मेरे को निदा करके मेरी फ्रेंड है निदा अंसारी, वो मिली और मुझे अचानक बोलने लगी कि मुझे पैसा दो करके, मेरे को भूख लग रही है, मैं घर से चली गई। तो मैं बोली कि दीदी मेरे पास पैसा वैसा है नहीं। तो पीछे से मेरे को राजू भाई का जो भाई है सईद अंसारी, उसने पता नहीं किस किस को लेकर आया था और सबको लेके आके मुझे मारने लगा। कितने लोग थे जो मारपीट किया? बहुत सारे लोग थे, मैं गिनी भी नहीं, और मैं बोल रही थी छोड़ो छोड़ो करके। और मैं जहाँ तक मेरे को मारे हैं दो लोग ने, मैं इतना ध्यान दी थी, दो लोग ने मुझे मारे, एक बबली अंसारी था और सईद अंसारी, इन लोग दोनों ने मुझे बहुत मारपीट की, बहुत गलत तरीके से मारपीट की है। और मेरे को बैक टच कर रहे थे और टांग पकड़ के, मेरी कमर पकड़ के मुझे गलत जगह मारने लगे। कहाँ पे हुआ था ये मारपीट? ये मिलेनियम पे हुआ था। पुलिस वगैरह में कंप्लेंट की आपने? हाँ, मैं चौकी गई थी, मेरे मुंह से खून जा रहा था बहुत, तो मैं चौकी गई थी, वहाँ पे मैंने कंप्लेंट दर्ज की थी। मैंने मेरी दीदी को फ़ोन करी थी तो दीदी आई, क्योंकि मेरी कंप्लेंट नहीं ले रहे थे वो। तो उसके बाद भी कुछ घटना हुई आपके साथ? हाँ, उसके बाद सेकेंड डे मुझे पुलिस वाले लोग ने बोले थे कि उन लोगों को घर पे लेके जाना, तो मैं उसके सेकेंड डेज भी कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो उसके बाद में भी आपके साथ कुछ घटना हुई थी क्या? हाँ, कल मैं चौकी गई थी, कौसा पुलिस चौकी, तो वहाँ पे सोना करके कोई आया और बोला चल राजू भाई बुला रहे करके, तो मैं भी गुस्से में थी, मैं बोली ठीक है चलो राजू भाई बुला रहे ना, क्या बोलते मैं भी देखती हूँ। तो मैं गई तो उन लोगों ना रास्ते में ही मेरे से बदतमीजी करने लगे, मेरे से गलत गलत बात कर रहे थे, एसिड फेंकाऊंगा, कोई भी लड़कों को बोल के छेड़ने लगाऊंगा, और बोल रहे थे कि मैटर क्लोज कर दे करके, नहीं तो बबली का धमकी दे रहे थे, बोल रहे थे कि मारूंगा ये वो सब कुछ बोल रहे थे। और वहाँ से उन लोगों को मैं बोली कि मैं तो पुलिस चौकी जाके रहूँगी, वहाँ से निकली तो जो बबली अंसारी है ना, बबली अंसारी मुझे मारा और गलत गलत बातें करने लग रहा था, बहुत गंदी गंदी और रॉन्ग टच कर रहा था, बाल पकड़ के मुझे मारने लगा। तो अभी तक आप इस पूरे मामले में पुलिस ने आपके इस पे क्या एनसी ली है या एफआईआर दर्ज की है? आज पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है वो लोगों के नाम पे।
उसके बाद सही धमकी वगैरह कुछ आए? उसके बाद मेरा कजिन भाई है, उसको किसी ने, उसने सफदर करके एक नाम है, वो बरकत पार्क में सबसे नंबर पूछ रहा था और उनको बोला, धमकी दिया है कि तुम लोग का भी नाम है चौकी में, मैं बहुत गलत हो जाएगा करके, वो ऐसी धमकी दे रहा था। और बबली अंसारी जो है वो पैसे का ऑफर कर रहा था, FIR दर्ज हुआ तो पैसे का ऑफर कर रहा था, कितना चाहिए ले लो और मैटर क्लोज कर दो करके। इन लोगों से मुझे बहुत खतरा है और मैं कुछ भी सामान देने के लिए जाती हूँ तो बहुत खतरा है इन लोगों से, तो प्लीज़ मुझे इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। किस तरह का खतरा आपको लग रहा है? कि बबली अंसारी मुझे बोल रहा था कि मारूंगा और बोल रहा था कि एसिड फेंकवाऊंगा, ये सब बोल रहा था, और कोई भी लड़के को बोल के छेड़खानी करवाऊंगा बोल रहा था। बहरहाल पुलिस ने पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सईद अंसारी, बताया जा रहा है कि पुलिस हिरासत में है, जबकि सरफराज अंसारी उर्फ बबली फरार बताया जा रहा है। वहीं हमने जब इस मामले पर राजू अंसारी से अपना पक्ष रखने को कहा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो पूरा मामला है ये गलत है, ये झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि वो अभी अपने गांव में है और मुंबई आकर इस पर जानकारी देंगे। इस मामले पर उनका भी पक्ष हम आपके सामने रखेंगे। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।